हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको घी बनाना बताऊंगी, वो भी बिना दही के जमाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले गर्म पानी करेंगे, थोड़ा गर्म पानी करेंगे। देखिए दोस्तों, पानी गर्म हो चुका है, ज़्यादा गर्म नहीं करना, थोड़ा ही गर्म करना है। और पानी गर्म होने के बाद हम अपने में मलाई डाली है जार में, उस जार में ये गरम पानी डाल देंगे। इस तरीके से थोड़ा ही डालना है फ्रेंड्स, ज्यादा नहीं डालना। पानी डालने के बाद हम अपने जार को बंद करके इस तरीके से फिट कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको चलाएंगे। अब ये हमारा मलाई जो है वो ऊपर आ गया है, मक्खन। मैंने इसको एक मिनट चलाया है दोस्तों। अगर किसी के पास फ्रूट प्रोसेसर नहीं है तो वो हैंड ब्लेंडर से भी अपना मक्खन निकाल सकता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये मक्खन आ गया है, देख सकते हैं आप। ये देखिए, इसको छलनी में इसलिए रखा कि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी होएगा वो नीचे चला जाएगा, और जैसे इसका पानी चला जाता है तो उसके बाद में हम एक गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसका पूरा पानी निकालने के लिए हम थोड़ा सा इसको हाथ से भी ऐसे करके डालेंगे ताकि पानी सारा निकल जाए और घी हमारा जल्दी से निकल आए। ये देखिए, इस तरीके से इसको पानी, जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल के आप अपनी कढ़ाई में इस मक्खन को डाल दें ताकि घी जल्दी बनेगा और आपकी गैस भी कम खर्च होगी। ये देखिए, इस तरीके से कढ़ाई में आप डाल दें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना जितना भी मक्खन था वो सारा इसमें डाल दिया, देख सकते हैं आप। और फिर हम इसको गैस पे चलाते रहेंगे ताकि नीचे ये लगे ना। देखिए फ्रेंड्स, इसको लगातार चलाते रहें, नहीं तो ये नीचे लगने का रहेगा। और ये इस तरीके से ऐसे होएगा, धीरे धीरे फिर इसमें से घी निकलना शुरू होएगा। अभी इसमें टाइम है थोड़ा, और फ्रूट प्रोसेसर अगर है आपके पास तो उससे एक मिनट तक चलाएं तो मक्खन अपने आप ही ऊपर आ जाएगा। और हैंड ब्लेंडर है वो, उसमें भी आप देखना, एक मिनट तक चलाओगे तो मक्खन ऊपर तक आ जाएगा। थोड़ा गर्म पानी डालना है, सीधे फ्रीज से मलाई निकाल के उसमें गर्म पानी डाल के और आप उसको चलाओगे तो आपका मक्खन तुरंत ही ऊपर आ जाएगा। इसमें कोई दही जमाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही जल्दी हमारा घी आ जाएगा। ये देखिए, अब धीरे धीरे घी निकलने के प्रोसेस में है, बहुत ही कम समय में फ्रेंड्स ये घी हमारा आ रहा है। अभी तो फ्रेंड्स मैंने आपको थोड़ा ही घी निकालना बताया, आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी अपना घी निकाल सकते हैं। मैं खूब सारी मलाई इकट्ठी करके महीने भर का एक बार में घी निकाल लेती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, ये घी ऊपर आने लग गया है, देख सकते हैं आप। और जो मलाई है या थोड़ा जो है पानी का वो नीचे बैठ रहा है, और ये देखिए घी आ रहा है। इसको अभी और चलाना पड़ेगा, थोड़ा और चलाएंगे फिर मैं आपको बताती हूँ कि घी किस तरह से ऊपर आ जाता है। घी रेडी हो चुका है फ्रेंड्स हमारा, अब हम इसे छान लेंगे, ज़्यादा नहीं चलाएंगे नहीं तो अगर घी लग जाएगा तो फिर स्मेल करेगा। तो अब घी हमारा बन चुका है, मैं आपको बताती हूँ उसको आप किसी भी बर्तन में खाली कर ले, छान के छलनी से इसको छान ले ताकि जो भी नीचे है वो नीचे रह जाए। और घी हमारा, ये देखिए इस तरीके से हमारा घी रेडी हो गया है, बस जलने ना दे फ्रेंड्स मेरा। फ्रेंड्स देखो, ये मेरा घी रेडी हो चुका है। और घी छानने के लिए आप लोहे की छलनी का या स्टील की छलनी का यूज़ करें, क्योंकि प्लास्टिक की छलनी जल जाती है। और ये देखिए, मेरा घी रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। देख फ्रेंड्स, ये देखो मेरा घी एकदम तैयार है। इसको मैं एक और छलनी से छान रही हूँ क्योंकि घी थोड़ा ज़्यादा सिक गया है इस वजह से, तो थोड़ी सी बारीक छलनी से और छान ले, मेरी उस छलनी के थोड़े से होल बड़े हैं तो मेरा घी एकदम तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, बिना दही जमाए कितने कम समय में
15 मिनट के अंदर मेरा घी ये रेडी है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है और घर पे निकाला हुआ घी फ्रेंड्स बहुत ही हेल्दी होता है बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, सेहत के लिए। तो आज मैं आपके लिए ये घी का जो रिव्यू लेके आई हूँ, आई होप आपको यूजफुल रहेगा। आप ट्राई कीजिए और मेरे को बताइए अपने एक्सपीरियंस। थैंक यू फ्रेंड्स।